स्वास्थ्य संपर्क में आपण मानक सचेतन कराइबार आम प्रयास जारी रही। प्रत्येक अध्याय आपण एक निर्दिष्ट स्वास्थ्य समस्या विषय विशेषज्ञों ठूँ परामर्श नि आज अध्याय आसतु एक निर्दिष्ट स्वास्थ्य समस्या को नहीं विशेषज्ञों ठूँ कि परामर्श ना। दांत रोपण बा डेंटल इम्प्लांट आधुनिक युगर एक अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धति। मुखमंडल को सुंदर करने कि दांतर कार्यक्षमता को सुदृढ़ करने डेंटल इम्प्लांट। एक्चुअली डेंटल इम्प्लांट हूँ गोटे प्रोस्थेसिस टू रिप्लेस द मिसिंग टूथ, मानने टूथ्र दि पार्ट रहे जोटा कि आम देखिपुंट माउथ कैविटी से गोटे क्राउन पर्सन आउ गोटे अच्छे जो टूथ रूट जोटा कि बोन भितर थाए। तो जितेबाला टूथ्रा मिसिंग रहे आम गोटे मेडिकल ग्रेड टाइटानियम स्क्रू गोटे जॉ भितर इनसर्ट करूँ जोटा कि डेंटल इम्प्लांट कहुए दैट इज रेप्लिकेटिंग द टूथ रूट। एक्जाक्टली टूथ रूट भाया कम करे तो ताऊपर आम क्राउनटा दो। डेंटल इम्प्लांट एक्चुअली यूज करा हुए मिसिंग जोटे मिसिंग टूथ रहे। तो मिसिंग टूथ को कारण कारण भी हो पारे जो केस रे बहुत अधिक डिके टूथ डिके हो ग्रॉसली डिके टूथ माने बहुत खराब हो गला रूट कानाल करके कि ट्रिटमेंट ट्रिटमेंट कर पारना तो दांतटा बाहर करने पड़े जोटा कि अधिक इनफेक्शन केसेस रे। अदरवाइज एनी ट्रोमा लाइक स्पोर्ट्स और पड़ी गले किए जो पड़ी गले तो दांतटा बाहरी गला कि स्पोर्ट्स बाजिकी दांतटा बाहरी गला। अदरवाइज बहुत एज हला जो दांतटा मोर बाहरी जाए तो से केस रे आम इम्प्लांट यूज करूँ। तो इम्प्लांट्र बहुत वैरायटीज भी अच्छे मैंने आम सिंगल टूथ भी रिप्लेस कर पारू बहुत मल्टीपल भी कर पारू बेले बेले जोटा बहुत एज के बहुत एज पर सब इवेन सबूक दात जो मिसिंग रहे से आम चारिटा इम्प्लांट कि छटा इम्प्लांट देखी ताऊपर पूरा फुल माउथ मानने डेन्जर टाइप रनई पारू। तो यहाँ गोटे एडवांस टेक्निक टू रिप्लेस द मिसिंग टूथ। अनेक समय डेंटल इम्प्लांट निष्पत्ति नेबा समय रे दोछकरे पड़ी थाए विज्ञानी मनीष एवं उपलब्ध चिकित्सा संपर्क रे मध्य जानिया पई सृष्टि होई थाए उत्कंठा। फर्स्ट रे तो आमे ओरल चेकअप करू तो ओरल चेकअप कला परे आमे तार एक्सरेस नो एक्सरेस आमे चेक करू केते बोन अछि तार बोन लेवल देखा जाए तापर ब्लड टेस्ट तांको कुआ जाए रूटीन ब्लड टेस्ट सब करा जाए प्लस आमे तांको बहुत सारा ऑप्शंस भी दो जोटा कि माने एक्चुअली टूथ रिप्लेसमेंट पे टू टाइप्स रो ऑप्शंस अच्छी गोटे होचे रिमूवेबल आ गोटे होचे फिक्स्ड जोटा फिक्स्ड रे पुनी बोन सपोर्टेड अच्छी आउ टूथ सपोर्टेड अच्छी। टूथ सपोर्टेड रे आमे ब्रिज दो तो सेथिरे आमे साइड दांत गुड़ा को टिके छोटो करके आमे गोटे ब्रिज दो बट एटा इम्प्लांटा होचे सबटु बेस्ट ऑप्शन काहेकि ना आमे साइड टूथ को किछि करू नाहंती डायरेक्ट आमे बोन रो सपोर्ट नोचंती तो से सब हमें चेक करूँ बोन लेवल आउ ब्लड टेस्ट से सब करवैस करूँ को टाइप रो इम्प्लांट बेस्ट हम तापर आम प्रोसीड करूँ प्रोसीजर पर दात रोपण रही बहुविध प्रणाली तेज कुशल और अभिज्ञ विशेषज्ञों द्वारा यह डेंटल इम्प्लांट होता है अधिक फलप्रद। आजिकाल जो एडवांस टेक्निक सब आसला रिस्क फैक्टर मानने एक्चुअली डिफिकल्टी से आसे जो बोन लेवल कम रहे तो बोन लेवल जो कम रहे से टाइम रे आमे बोन ग्राफ्टिंग प्रोसीजर भी करूचु इवेन आजिकल जायगोमेटिक इम्प्लांट भी आसिलानी जो थरे आमे जायगोमेटिक बोन जोटा फेस रो बोन रो सपोर्ट रे भी आमे जायगोमेटिक इम्प्लांट दे पारूचु। तो बहुत एडवांस टेक्निक आसिलानी आउ इवेन डायबेटिक आउ हाइपरटेंसिव पेशेंट रे भी आमे विथ प्रिकॉशन आमे इम्प्लांट करी पारूचु। तो आजिकल रिस्क फैक्टर एमती किसी कंट्राइंडिकेशन ना बहुत पेसेंट एक्चुअली चिकित्सार अवधि और चिकित्सा परवर्त जत्न संपर्क में मन में सृष्टि होता है प्रश्न तेज चिकित्सा पूर्व चिकित्सकों सहित आलोचना कर संपर्क जाणने आवश्यक। डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर तो ओनली 20-30 मिनट प्रोसीजर आईटा लोकाल एनेस्थेसिया हुए तो लोकाल एनेस्थेटिक भी यहाँ गोटे पेनलेस प्रोसीजर टोटाली पेनलेस बिकज एबे एडवांस टेक्निक सब आसलाने जो थे कि आम बस इवेन स्टार पेन गोटे आसुची जो थे कि वो थिन सीरेंज आम यूज करूचु तो से आम बहुत बहुत मिनिमल पेन रे आम करी पारूचु प्रोसीजर्स
तो एथरे किछि ओरी होबार भी नहीं कि पेन के किछि होबार अछि सेमते किछि नहीं। आउ डेंटल इम्प्लांट रो भी बहुत वैरायटीज आसिलाणि अकॉर्डिंग टू एफोर्डेबिलिटी वी कैन एडवाइस टू पेशेंट डिफरेंट टाइप रो बासल इम्प्लांट्स आउ बहुत इम्पोर्टेंट इम्प्लांट्स भी अछि। तो पेशेंट रो एफोर्डेबिलिटी अनुसार आमे तांको एडवाइस करू छु को इम्प्लांटटा तांको पे बेस्ट हबो। जायगोमेटिक इम्प्लांट भी आसिलाणि जोथरे कि बोन रो सपोर्ट नै कि आमे करू छु। तो पेशेंट रो आमे टेस्ट करके तापरे आमे एडवाइस करू छु को इम्प्लांटटा तांको पे बेस्ट हबो। मिसिंग टूथ रो रहिछि सफल चिकित्सा। चिकित्सा द्वारा मुहटी सौम्य और सुंदर हेबा सहित दांतर कार्यकारिता मध्य वृद्धि पाइथाय। चेयर सेट प्रोसीजर ही एटा ओटी एक्चुअली दरकार सेमती नहीं। लोकल एनेस्थेसिया रे आमे करू छु बहुत 20 मिनट टू 30 मिनट रो वर्क। तो पेशेंट इवन एडमिट होकर रहा भी दरकार नहीं से आराम से बाहर आसिले भी आराम से जापरिवे। आउ मिनिमल जो माने सॉफ्ट फूड एडवाइस करूचु आम प्लस पेशेंट को आम एडवाइस करूचु कि से माने स्मोकिंग ए सबू करे नहीं। तो गर प्लस ओराल मेन हूँ ओराल हाइजीन मेंटेन करिया को पड़े सेटा पेशेंट को भल भाव बुझा जाए कहीं डेंटल इम्प्लांट आम प्लेसमेंट कर सारापर ताको आम 3 मंथ्स छाड़ू तार हिलिंग बोन हिलिंग तापर आम तार गोटे आ गोटे स्ट्रक्चर दूचु जोटा को कहा जाए एबटमेंट तापर आम क्राउन हो ना ब्रिज हो ना डेंचर हो से सब आम दे पारुचु। ओराल हाइजीन मेंटेन करिया को पड़िबा पेशेंट को। मिसिंग टूथ रो रहिछि बहुविध कारण। एही कारण बेले बेले स्वाभाविक होबा सहित किछ आकस्मिक मध्य होइथाय। एक्चुअली दांतटा जतना मिसिंग हुए से टाइम रे हमरो दुटा ऑप्शन रहे एदर फिक्स्ड और रिमूवेबल। फिक्स्ड रे हमरो एदर बोन सपोर्ट नै पारिबा नहले तो टूथ सपोर्ट नै पारिबा। तो टूथ रो सपोर्ट आम जो नौ तर आम साइड टूथ रो दुटा जोटा एबटमेंट टूथ कह जाए तार साइड टूथ दुटार सपोर्ट नहीं कि आम ब्रिज बनाऊ। ब्रिज अपेक्षा इम्प्लांट आउरी बेटर ऑप्शन कहीं आम इम्प्लांटे आम बोन रो सपोर्ट नौ डायरेक्ट बोन रो। तो आम साइड टूथ को किसी करूना तो एक्चुअली साइड टूथ को जेहेतु छोटो करा जाउछि एक्चुअली तो डैमेज होउछि। तो आम साइड टूथ रो किछि न करके डायरेक्ट आम बोन रो सपोर्ट नौ तो सेटा गोटे नेचुरल लुकिंग आसेट इम्प्लांट रो। रिमूवेबल जोटा जहाँ रिमूवेबल ऑप्शन भी अच्छे जोटा माने पेशेंट एत एफोर्ड कर पारना किसी अच्छे तालोले रिमूवेबल भी पिंधि पारे जोटा कि से माने बाहर करके क्लीन करके आउथरे पिंधि पारे से ऑप्शन भी अच्छे। बट सबुठ बेस्ट ऑप्शन हूँ डेंटल इम्प्लांट। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। चिकित्सा अपेक्षा जत्नवान होगा और सतर्क रहा स्वास्थ्य पक्षे हितकारक। निराकरण उपयोगी उपदेश गुड़ी मानि चलिए अनेक समय दांत जनित समस्या ठार् आम दूर रहीपर। एक्चुअली मिसिंग होबार बहुत रीजन्स अच्छे। फर्स्ट मेन रीजन हूँ डेंटल इग्नोरेन्स। फर्स्ट पेसेंट छोट कैविटी है जितेबाला पर्यटन पेसेंट को पेन हो से पर्यंत पेसेंट क्लिनिक को आसती ना। तो एक्चुअली एवरी 6 मंथ्स पेसेंट मैंने चेकअप करवा कथा तो जेहेतु से मैंने नेग्लेक्ट करूँ तो से कैविटी बहुत अधिक बढ़ी जाए बढ़ी से गोटे इनफेक्शन भी करदे आउ क्राउन स्ट्रक्चरटा पूरा नष्ट हो जाए। तो से केस रे ओनली रूट स्टम्पटा बोन भितरे रहे तो से टाइम रे आमको रूटटा बाहर करिया को पड़े आमे रूट कैनाल करके ताको आमे ट्रीटमेंट कर पारुना हो। फैक्टर्स हूँ माने जोटा कि ट्रॉमा आपण मन एक्सीडेंट हो गला गाड़ी रु पड़गले कि खेलु टाइम बॉल आसिक बाजला तो स्पोर्ट्स टाइम ट्रॉमा टाइम भी दांत बाहर चांसेस रहे तो से सब केस रे ना। तो एज फैक्टर भी बहुत एज हो गला तो से टाइम रे से ओराल हाइजीन जो मैंने बेसी मेंटेन करूना से मानकर पेरियोडोंटल गम्स रो प्रॉब्लम स्टार्ट हुए। तो गम्स रो प्रॉब्लम हेले दांत हलिबा स्टार्ट हुए तो तापर से सबसिक्वेंटली पड़ी जाए दांतटा। तो से केस रे भी आम डेंटल इम्प्लांट पसई पारिबा। आउ आजिकाली बहुत बहुत एज रे भी आम डेंटल इम्प्लांट कर पारुछंती सेमती किसी एज फैक्टर एमती ना जे आम एत अधिक एज रे डेंटल इम्प्लांट कर पारानी कहीं आजिकल सब एडवांस टेक्निक आसला जो थे कि आम जड़े लोकर जदि टोटाली भी दात ना से केस रे भी आम ऑल ऑन 4 ऑल ऑन 6 टाइप रो गोटे मेथड अच्छे जो थे कि आम 4 इम्प्लांट कि 6 इम्प्लांट रो सपोर्ट रे पूरा होल माउथ रो दात आम बसई पारुचु।
नियमित व्यवधान में निजर दातर सुस्थता संपर्क में जांच करूँ दात को सफा रखत एवं विशेषज्ञों उपदेश मानि चलतु देखिए आपण दात चिरदिन सुस्थ र फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप एव्री सिक्स मंथ डेंटिस्ट को विजिट करवा कथा तो आप एव्री सिक्स मंथ्स रे ओराल चेकअप करवा कथा तो कोठे भी आपणकर जदि कैविटी किसी स्टार्ट होची कि किसी होची इमीडिएटली तारो ट्रीटमेंट हो पार ब्रशिंग टेक्निक करेक्ट हवा दरकार दिन में दुई थर ब्रश करेंगे मॉर्निंग रे थरे राति रे थरे तो दी थर ब्रश करेंगे इवेन मोस्ट इम्पोर्टेंट हूँ दी दात मझीटा आम क्लीन करूना से भी आपको डेंटल फ्लॉस गोटे आसूसी ना तो वाटर फ्लॉस आसूसी से सब मेथड रे आप दुई दात मझीटा भी आपको क्लीन रखा पड़ो मोस्ट इम्पोर्टेंट हूँ आप चॉकलेट कि स्वीट कि किसी खाऊंटे इमिडियेटली आप माउथ वाश करके आपको ओराल हाइजीन मेन्टेन करा पड़ो आज अध्याय विशेषज्ञ दे परामर्श आपण मानक सचेतन एवं सतर्क करथबो निश्चय आमको आज पाई विदाय दियंतु रहुचु नमस्कार।